क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड सैंपल पेपर टर्म वन का क्वेश्चन नंबर 40 है, जो कि सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन 40? इससे प्रीवियस अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इसके हैंड रिटन पीडीएफ भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, तो उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3 to the power x + y को इतना दिया हुआ है और 243 to the power x - y = 3 हमें गिवन है। तो हमें पूछा है कि बताइए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, एक होंगे, जीरो होंगे, दो होंगे, इनफाइनाइट होंगे। उसके लिए आपको थोड़ा लर्न करना होगा कि जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 होते हैं तो इसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होता है। जब आपका इस टाइप से होता है a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2 तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और जब यही वाला कॉपी पेस्ट का तो नहीं है भाई मेरे पास, नहीं तो अभी मैं कॉपी पेस्ट ही करने वाला था। c1 by c2 इस टाइप से अगर रहता है तो इसका होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इन द सेंस इसका सॉल्यूशन कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, जीरो सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से हम लोग समझना होगा, जो भी इक्वेशन को फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि उसके सॉल्यूशन कितना होगा। एक बात तो पता है कि टू सॉल्यूशन तो नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 3 to the power x + y = 243। ये बच्चा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या है, 3 to the power x + y है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power कितना का वैल्यू होता है, तो 3 to the power 5, 3 into 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑन इक्वेटिंग हम लोग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? ऑन इक्वेटिंग। ये सब करने का जरूरत नहीं है, मैं कर दे रहा हूं लंद फंद कचहरी बंद, है ना, लेकिन आपको करने का जरूरत नहीं है, आपको तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। तो x + y = कितना हो गया? 5 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। ठीक है, कोई सुनी है। दूसरा हमें क्या दिया है? दूसरा हमें दिया है 243 to the power x - y = 3। अगेन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 5 लिख सकते हैं। तो 3 to the power 5 2 the power x - y = कितना है? 3 है। इक्वल्स टू कितना है? 3। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 to the power 5x - 5y। 5 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 5 into x - 5y = कितना हो गया? 3। 3 to the power 1 लिख सकते हैं। अगेन ऑन इक्वेटिंग कितना हो जाएगा? 5x - 5y = कितना हो गया? 1 हो गया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू, तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें a1 by a2 कितना आता है, a1 by a2, इसका a1 1 है और इसका a2 कितना है, यही ना लेते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, लिया ना आपने। तो a1 का वैल्यू कितना है? 1 डिवाइड बाई a2 का वैल्यू कितना है? डिवाइड बाई 5, है ना, तो a1 by 5 आया। उसी टाइप से अगर हम लोग चेक करें b1 by b2, b1 का वैल्यू कितना है? अगेन 1, पॉजिटिव 1 है, और इसका वैल्यू कितना है? 5, माइनस 5। तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं ना इक्वल है, मतलब क्या होता है, a1 by a2 is not equals to b1 by b2। और जब इस टाइप का इक्वेशन होता है, तो इससे पहले में मैंने आपको बताया कि जब इस टाइप का फॉर्म आता है दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब केवल और केवल उसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई इशू है? बस मैं आपको बताया इसलिए इतना टाइम लग गया, अदरवाइज ए क्वेश्चन जो है इतना टाइम कतई डिजर्व नहीं करता। 3 मिनट, ये आपका 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा जब आप फटाफट से सॉल्व करोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको समझाना नहीं है, आपको बस टिक करके आना है, लेकिन बहुत अच्छे से और बहुत कांस्टेंट माइंड के थ्रू आपको सॉल्व करके आना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड दिए गए हैं सीबीएसई के थ्रू। ठीक है, लेकिन आपको उसी में मैनेज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपने प्लेलिस्ट के थ्रू नहीं आया है बल्कि ऐसे ही आया है, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप कुछ मत देखो, लेकिन पक्का से पक्का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जरूर देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।